जय हिंद वंदे मातरम प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है दोस्तों आपके लिए? ये है साथियों खाद्य सुरक्षा को लेकर के, यानी कि जो राजस्थान फ्री अनाज योजना है, फ्री राशन योजना है, उसको लेकर के एक खबर आई है। उस खबर को हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। बहुत सारे भाई बहन ऐसे होंगे जो राशन की दुकानों पर जा जा करके वापस लौट रहे होंगे, उनको गेहूं नहीं दिया जा रहा है। इसका मुख्य कारण क्या है, उसकी चर्चा हम करने वाले हैं। बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जो जा कर के आ गए हैं, लेकिन वहाँ पर गेहूं नहीं बांटे जा रहे हैं। अब गेहूं नहीं मिल रहे हैं तो राशन डीलर उनको बोल देते हैं कि अभी राशन नहीं आया है, आप 2-4 दिन बाद आना। ऐसे बोल करके आपको भेज दिया जा रहा है, आपको भेजा जा रहा है वापस। आप घर आ जाते हैं, जब आपको राशन ही नहीं मिलेगा तो आप वापस आओगे, सीधी बात है। आकर के घर वालों को बोल देते हैं अभी राशन नहीं मिल रहा है। तो इसका कारण क्या है, क्यों नहीं मिल रहा है राशन, इसकी खबर आई है जो हम आपको अच्छी प्रकार से समझाने वाले हैं एकदम आसान और सरल भाषा में। तो अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से आप चैनल से जुड़ जाइए, जहां पे आपको दिख रहा होगा ओमवीर योजना आप ही का चैनल है दोस्त। ये गाड़ी पट्टी में सब्सक्राइब लिख रखा है ना, इसको दबा दो। इसको दबा दोगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, आप हमसे जुड़ जाओगे, हम आपसे जुड़ जाएंगे, फिर जो भी खबर आएगी, जो भी योजना आएगी, तत्काल प्रभाव से आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का ओमवीर योजना के यूट्यूब चैनल में। आओ भाई फटाफट से इस खबर को हम देख लेते हैं, क्या खबर आई है। राजस्थान फ्री राशन योजना 2024 खाद्य सुरक्षा योजना, इस महीने में क्यों नहीं मिल रहे हैं गेहूं, इस बात की चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं। और इससे पहले जो भी भाई बहन कन्फ्यूजन में हो, किसी को कोई डाउट हो, कोई पूछना हो, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपका जवाब जरूर देंगे। अगर आप हमसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, हमसे बात करना चाहते हैं, तो ओमवीर योजना के इंस्टा को फॉलो कर लीजिए। इंस्टा के माध्यम से आप हमसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं और कोई सवाल आप पूछोगे तत्काल प्रभाव से आपको जवाब भी दे दिया जाएगा। ठीक है जी, आ जाओ फटाफट से इसको देखते हैं। जिले के करीब 1200 से 1300 परिवारों को नहीं मिल पाएगा मार्च महीने का अनाज। यह जयपुर की खबर है, ठीक है ना जी। कहाँ की खबर है? जयपुर की खबर है। जिले के करीब 1200 से 1300 परिवारों को नहीं मिल पाएगा मार्च महीने का अनाज, यानी कि मार्च महीने का अनाज उनको नहीं मिल पाएगा। ठीक है जी, क्यों नहीं मिल पाएगा? ट्रांसपोर्टेशन फर्म ने वितरण के लिए नहीं उठाया समय पर पूरा अनाज, यानी कि जो फर्म होती है ना, जो अनाज उठाती है, उस फर्म ने पूरा अनाज नहीं उठाया है, कमी माल लिया है। तो ज़्यादा माल चाहिए और माल कम ले रहे हैं, तो फिर माल कम लेंगे तो बांटेंगे किनको, तो कम को ही बांटा जाएगा। इस वजह से अब आधे कोटे हैं जिनको मिले हैं, आधे राशन डीलर हैं उनके पास राशन ही नहीं पहुंचा है, तो इस वजह से वो आपको राशन नहीं दे पा रहे हैं। और आपको बोला जा रहा है कि भाई अभी राशन नहीं आया है, बाद में आएगा। अब इसकी पूरी जानकारी और भी लेते हैं। इसलिए गरीबों के हक का 25% गेहूँ लैप्स, यानी कि जो गरीबों का 25% गेहूँ है वो लैप्स हो चुका है, नहीं मिल रहा है साथियों। अब इसकी जो खबर है उसको हम समझ लेते हैं, देख लो फटाफट से उस खबर को हम देख लेते हैं। आपको ये खबर जो है स्क्रीन पर दिखाई देगी, आप आराम से उसको पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है साथियों। और इस खबर को आप लेना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो कहाँ पर मिलेगी? ओमवीर योजना के टेलीग्राम को फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम पर यह खबर डाल दी गई है, आप आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है जी, आप देखो फटाफट से इस खबर को देखते हैं। आओ जी देखो, एमसीएस की लापरवाही, जिले के करीब 1200 से 1300 परिवारों को नहीं मिल पाएगा मार्च महीने का अनाज। ट्रांसपोर्टेशन फर्म ने वितरण के लिए नहीं उठाया समय पर पूरा अनाज, इसलिए गरीबों के हक का 25% गेहूं लैप्स। जिम्मेदार बोले ट्रांसपोर्टेशन फर्म को नोटिस दिया, केंद्र को शेष राशन उठाव के लिए लिख दी है चिट्ठी। इसका मतलब ये हुआ कि जो फर्म होती है ना, जो पूरा का पूरा टेंडर लेती है अनाज उठाने का, अनाज उठाती है, उठाव के अनाज को, और सीधा फिर जो भी राशन डीलर हैं उनके पास माल पहुंचता है ट्रक भर भर करके। तो अब की बार जिस फर्म ने ये माल उठाया है, उस फर्म ने कम माल खरीदा है, यानी कि अनाज कम खरीदा है, इस वजह से ये दिक्कत हो गई है। अब अनाज कम खरीदा है तो सब कम को ही मिलेगा। अब राशन डीलर कुछ ऐसे हैं जिनके पास माल नहीं पहुंचा है, इसका मतलब ये हुआ है कि माल आया ही नहीं है, उन्होंने खरीदा ही कम है। अब उसको एक चिट्ठी लिखी है,
चिट्ठी इसलिए लिखी है कि भाई माल पूरा क्यों नहीं खरीदा, गरीबों को कैसे बांटोगे, फिर वो तो भूखे रह जाएंगे। इस वजह से अब चिट्ठी लिखी है कि अब माल पूरा खरीदो और गरीबों का जो राशन है उनका राशन उनको मिलना चाहिए। ये है बात, ठीक है जी। केंद्र सरकार आमजन को निःशुल्क गेहूँ वितरण कर राहत दे रही है, पर वितरण व्यवस्था में खामी नजर आ रही है। योजना की मॉनिटरिंग समय पर नहीं होने से जिले के करीब गरीब लोगों को खामियाजा भुगतने की नौबत आ गई है। गौरतलब है कि मैनेजर सिविल सप्लाई MCS के द्वारा राशन ट्रांसपोर्टेशन की सही मॉनिटरिंग नहीं की जा रही है। इस वजह से जिले में हर महीने राशन की दुकानों पर वितरण होने वाला मार्च माह के गेहूँ का पूरा उठाव ट्रांसपोर्टेशन फर्म के द्वारा नहीं किया गया। मालिक उठाया पूरो, कमी माल ठाया तो कम ठाया, तो भाई अब कमी आवेगी वह तो फिर कह मिलेगा बताओ। हाँ हाँ ये बात है। अच्छा, अब इससे कई गरीब परिवारों को सरकारी योजना के तहत मिलने वाले गेहूं से वंचित होना पड़ेगा। अच्छा, अब ये मामला सामने कैसे आया? राशन डीलर लगातार उपभोक्ताओं को आज कल में अनाज देने की बात कहकर टाल रहे थे। आज मिलेगा, तड़के मिलेगा, परसों देंगा, परले दिन देंगा, ऐसे बोल बोल करके उनको टाल रहे हैं। असली जड़ नहीं बता रहे हैं कि ये राशन क्यों नहीं मिल रहा है, राशन कैसे मिलेगा, इन्होंने खरीदा ही कम है, फर्म ने माल ही कम उठाया है, तो अब मिलेगा कहाँ से, ये बात है। अच्छा, अब देखो, जब भास्कर टीम ने इसकी पड़ताल की तो चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई, जिसमें परिवहनकर्ता फर्म के द्वारा गेहूं का उठाव करके 31 मार्च तक उचित मूल्यों की दुकानों पर पहुंचाना था। यानी कि 31 मार्च तक सारी दुकानों पर पहुंचता तभी तो अपने को 1 अप्रैल को राशन मिलता है, फिर 1 मई को राशन मिलता है, हर 1 तारीख को राशन आ जाता है उचित मूल्य की दुकानों पर, ये बात है। अब की बार भी हम जाकर आए हैं, वहाँ पर ट्राई की है, जब हमें पता चला है कि राशन डीलरों के पास माल नहीं आया है, तब मैंने फिर इस खबर को डाउनलोड करके आपके साथ साझा किया है कि भाई माल क्यों नहीं आ रहा है। इसका कारण ये है साथियों। अब देखो, अब क्या होगा आगे, आगे देखते हैं। उचित मूल्यों की फर्म के द्वारा गेहूं का उठाव कर 31 मार्च तक उचित मूल्यों की दुकानों पर पहुंचाना था, लेकिन विभाग के द्वारा एक बार तिथि बढ़ाकर 15 अप्रैल की गई। इसके बाद भी फर्म द्वारा पूरा राशन नहीं उठाया गया। फिर 15 अप्रैल की तिथि कर दी थी कि 15 अप्रैल तक ले लो भाई, फर्म को माल देना है, फिर भी फर्म ने माल पूरा नहीं उठाया। अच्छा जी, MCS की होती है पूरी जिम्मेदारी। जानकारी के अनुसार राजस्थान राज्य खाद्य आपूर्ति निगम के गोदामों से MCS विभाग की देखरेख में ट्रांसपोर्टेशन के जरिए उचित मूल्य के गोदामों तक गेहूं पहुंचाया जाता है, लेकिन MCS की सही मॉनिटरिंग न होने के कारण ट्रांसपोर्टेशन फर्म द्वारा प्रत्येक महीने की निर्धारित तिथि 15 तारीख तक समय पर नहीं उठाया गया। गौरतलब है कि राजस्थान राज्य खाद्य आपूर्ति निगम से उठाव से लेकर डीलरों तक पहुँचाने की जिम्मेदारी MCS की है। MCS के द्वारा इसकी सूचना समय पर केंद्र को न देने के कारण गरीबों का मार्च 2024 महीने का अनाज लैप्स हो गया। अब खामी छुपाने के लिए MCS विभाग सरकार को चिट्ठी लिखने का नाम लेकर पल्ला झाड़ रहा है कि भाई हम चिट्ठी लिख देंगे, चिंता मत करो, आपका राशन कहीं नहीं जाएगा, ऐसे बोल रहा है अब, ठीक है जी। विभाग इसके ऊपर दबाव बना रहा है कि भाई आपने ये लापरवाही क्यों की है, पूरा माल जब इन्होंने खरीदा ही नहीं था तो केंद्र सरकार को सूचना देते कि फर्म तो पूरा माल नहीं खरीद रही है साहब, ये तो माल कम खरीद रही है, गरीबों को अनाज पूरा नहीं मिल पाएगा, उससे फिर वो तत्काल रिएक्शन लेते, लेकिन ये हुआ नहीं है। तो इस वजह से ये अधिकारियों की भी कमी है, उन्होंने बताया नहीं है। तो कोई दिक्कत नहीं है, चिंता मत करो, माल जैसे ही सरकार के पास अब ये सूचना पहुँच चुकी है, केंद्र सरकार इसके ऊपर पूरा फोकस देगी और इसको माल को पूरा भिजवाने की कोशिश करेगी ताकि सभी गरीबों के पास अनाज पहुंच जाएगा, ठीक है जी। तो ये थी इसकी जरूरी सूचना। अगर आप भी अपने राशन डीलर के पास जाकर के आए हो और उन्होंने आपको बोला है कि अभी अनाज नहीं आया है साहब, तो इसका मतलब यही है कि जो फर्म अनाज खरीदती है उस फर्म ने अनाज कम खरीदा है साहब, इस वजह से ये राशन डीलरों के पास माल नहीं पहुंचा है। अब जब वो माल और खरीदेगी फर्म, तब जाके इन सभी के पास माल पहुंचेगा और फिर आपको राशन डीलर जो है अनाज बांटेंगे, ठीक है जी। तो ये
थी जरूरी सूचना जो मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर दी है। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि देश में जितनी भी योजनाएं निकलती हैं तमाम योजनाओं की जानकारी हम आपको देते रहते हैं और एकदम आसान और सरल भाषा में संपूर्ण जानकारी के साथ आपको समझाते रहते हैं। तो जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।